इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने पिछले दिनों हुए एक लोडिंग गाड़ी चोरी का खुलासा करते हुए धार जिले के रहने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। यहां बायपास स्थित फ्लिपकार्ट की ऑफिस से मनोज वर्मा का टाटा एस लोडिंग वाहन दिनांक 13 नवंबर को चोरी हो गया था, जिसकी सूचना पर तेजाजी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धार जिले के मनावर में रहने वाले विष्णु चौहान और अर्जुन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने गाड़ी चुराना कबूला। पुलिस ने इन्हें कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। क्या है पूरा मामला? ये है कि मनोज वर्मा का वाहन टाटा एस क्रमांक MP09LQ2391 जी, ये टाटा एस है छोटा हाथी। हाँ। ये दिनांक 13/11/2021 से 14/11/2021 के दरमियानी रात जी। ये घटना स्थल है क्लिप कार्ड ऑफिस के पास बाईपास रोड केलोत करताल, वहाँ खड़ा किया था। हाँ। जो चोरी चले गया था। हाँ। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तेजाजी नगर पर वाहन चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही होने पर जी। संदेही विष्णु चौहान एवं अर्जुन चौहान निवासी है ग्राम अजंदी थाना मनावर जिला धार के रहने वाले, इनको संदेह के आधार पर इनको पकड़ा गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्हें जुर्म स्वीकार किया, उसके बाद में इनके कब्जे से ये वाहन जब्त किया गया। जब्त करने के बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। सर, इनके ऊपर कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह है? इनके आपराधिक रिकॉर्ड के वहाँ थाना मनावर से तलाश की जा रही है। सर, ये क्या कारण था वाहन चोरी करने का? वाहन चोरी में अभी तक का जो खुलासा हुआ है कि ये विष्णु चौहान ये पुराना इसका वाहन मालिक का पुराना ड्राइवर था, इसको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इसने वाहन चुराया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और कोई कई खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।